ओडिशा का लोक पर्व नवाखाई इस बार 3 सितंबर यानी मंगलवार को पड़ रहा है। नवाखाई को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कहा जाता है कि नवाखाई के दिन आराध्य देवी के साथ साथ पुरखों की भी पूजा की जाती है। भादो माह में मनाए जाने वाले त्योहार में किसान अच्छी पैदावार और मवेशियों की खुशहाली के लिए देवता को याद करते हैं। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य ओडिशा के सैकड़ों अप्रवासी उड़िया परिवार रायपुर में निवास करते हैं। शहर के कई इलाकों में उड़िया समाज की बहुलता भी दिखाई देती है। उड़िया समाज से जुड़े लोगों ने कहा कि नवाखाई त्यौहार की शुरुआत गणेश चतुर्थी से हो जाती है, जिसमें गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखकर नहा धोकर नवाखाई की तैयारी की जाती है, जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। नवाखाई चतुर्थी के अगले दिन पड़ता है। उस दिन सुबह से उठकर नहाकर नए लाए हुए बर्तनों में खाना और पकवान बनाया जाता है, साथ ही नए धान और कुलदेवी की पूजा की जाती है। उसके बाद पूर्वजों को याद करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। सभी नए कपड़े पहनते हैं, वहीं किसान अपने खेती किसानी की पूजा करते हैं। इस पर्व में मूल रूप से नया अनाज ही खाने के लिए बनाया जाता है। हम लोग, हमारे दादा दादी लोग सब कोई बचपना से ये लोग त्यौहार मनाते हुए आ रहे हैं। धान, चावल, नारियल, अगरबत्ती, आपका ये जो पत्ता और मूंग की दाल और ये धान बचपना से मनाते हुए आ रहे हैं और ये त्यौहार हम लोग मनाते जा रहे हैं। इसका पीछे जो बूढ़े लोग जो बनाते थे ये त्यौहार बहुत अच्छे से, इसी तरफ से हम लोग त्यौहार मनाए जा रहे हैं। हम लोग का नया खाई का त्यौहार गणेश चतुर्थी के दिन उपास रहते हैं और दूसरे दिन उसका धान का पूजा करते हैं और जैसे चावल वावल भिगा के कूटते हैं और उसको वो बनाते हैं, बड़ा बड़ा अनरसा बनाते हैं, उनको भी चढ़ाया जाता है। और ये जो चूड़ा मिलता है हमारा नया धान है, उपास के दिन हम लोग मूँग और चावल केवल खाते हैं बना के, और ये सब दूसरे दिन हम लोग ये धान का पूजा और ये चूड़ा जो मिलता है उसका पूजा और जो चावल भिगा के कूट के बनाया जाता है अनरसा उसको चढ़ाया जाता है। और फिर पत्ते में हम पूजा पाठ होने के बाद हम सब बैठते हैं एक साथ और पत्ते में लेके खाते हैं। हम लोग अपना गांव छोड़ के आए हैं। हमारे गांव का जितना माता पिता जितना सब कुछ देहांत हो जाते, हमारे यहाँ का सास परिवार सब कुछ जितना देहांत होते हैं उनको हमने साल में एक बार इनको बुला करके ये सब कुछ उनको डालते हैं, मंदिर में डालते जैसे अपना घर में डालते हैं और उनको हम जैसे पितर मानते हैं ऐसा उनको हम खिला करके उनको विदा करते हैं। आज के दिन गणेश बैठता है और आज के दिन सब हम उपास रहते हैं और मूंग और चावल बनता है आज के दिन। और दूसरे दिन हम लोग जो भी है आइटम बनाते हैं अपना और पत्ते में प्रसाद खाते हैं, हमारे घर के कुल देवी को पूजा करते हैं। ये योग से चल रहा है। नया खाई में नया धान का पूजा होता है, नया चूड़ा खाते हैं, सब चीज़ नया नया चलता है। ये हमारा कुल देवता का पूजा है, हमारा दादा दादी के से चल रहा है तो इनको हम मानते हैं, सदियों से चल रहा है। आज नौ उपास थे और नुआ बर्ष जेनता मनासन से पाई आमर उड़िया भाई मैंने सब धान पूजा कुकुड़ा पूजा चिवड़ा पूजा यहाँ सब करसन, तार कुल देवता का पूजा देसन आउ से पूजा करी करी से दूसरा दिन से नुआ फलटा खाएसन आउ नुआ कपड़ा नुआटा सब छुआ पिला सब आड़े से पिन्ही करी तार सब लोग पैर पड़सन जुहार करसन और सब लोग माता सार आशीर्वाद नेसन। नवाखाई को नुआखाई भी कहा जाता है। नवाखाई का त्यौहार प्रतिवर्ष पंचमी तिथि को पड़ता है। ओडिशा का प्रमुख त्यौहार अब पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन इसी साल का नया चावल पहली बार बनाकर मिलकर सभी खाते हैं। इस दिन अरसा पीठा मुख्य रूप से बनाया जाने वाला पकवान है। नवाखाई त्यौहार 9 रंगों और रस्म रिवाजों से पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी।
ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।